सो यू व्हाट्सअप यूट्यूब, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का हम अपने एक नए वीडियो के साथ वापस, तो भाई जिसके अंदर कि हमारे साथ एक 8 साल का नन्ना बालक भी खेल रहा है। अरे बेहतरीन, हिंदी क्या बोल रहा हूँ, चलो कोई ना, मतलब एक भाई 8 साल की उम्र में तो हमें पता भी नहीं था कि ऐसे ऑनलाइन गेम्स होते भी हैं। मतलब मैं तो तब COC ना, तब तक तो मैं COC भी नहीं खेलता था, और ये भाई तो PUBG खेल रहा है। भाई आजकल क्या हो रहा है, वो अच्छी बात है। चलो तो अभी हम लोग उतरते हैं मिलिट्री बेस, साथ में उसका दोस्त भी खेल रहा है, मतलब वो बच्चे का जो कि उसका पता नहीं, हाँ दोस्त ही है, तो वो भी है, वो नंबर 2 है और वो बच्चा नंबर 4 है, और सबसे शैतान बच्चा हमारा नंबर 3, जैसा कि आप जानते हो उसको। अब सामने की तरफ बंदे थे तो मैं पता नहीं, अभी देखना, मैं मतलब मारता हूँ लेकिन किसी को, मतलब मैं जब गोली चला रहा हूँ तभी बंदे वहाँ से हट रहे हैं, और जब मैं गोली चलाना बंद कर रहा हूँ वैसे वो बंदे वहाँ पे आ रहे हैं। तो भाई अब मैं इससे फ्रस्ट्रेट हो चुका था, तो भाई अब मैं क्या करता हूँ कि कहीं ना कहीं रेस्ट करने का प्लान बनाता हूँ। तो मैं सोच रहा था कि पुलिस स्टेशन में रेस्ट करना है, क्योंकि भाई ये जो बच्चे लोग थे ये लोग बहुत परेशान कर रहे थे, मतलब कतई शोर मचा रहे थे। और ये हैरी का बच्चा हैरी का बच्चा नहीं सॉरी मतलब हैरी के पास जो बैठा है वो उसके पास बैठा था, वो जो बच्चा था 8 साल का, तो वो बहुत शोर मचा रहा था। तो भाई मैं उसको म्यूट भी करता तो फिर हैरी की आवाज़ नहीं आती, तो इसीलिए मैं अब म्यूट भी नहीं कर सकता था, क्योंकि उसकी तो हमें बात सुननी थी, मतलब अपने सस्ते से बात करनी थी, सस्ता हैरी से। तो अभी के लिए बंदा दिखता है, इसको मैं नॉक करके पूरा फिनिश कर देता हूँ, और इसका टीममेट भी फिर आता है, और इसको भी मैं नॉक करके पूरा फिनिश कर देता हूँ। अब यहाँ पे जल्दी जल्दी से लूटते हैं, और फिर भाई अभी तुम्हें मेरे तगड़े वाले रिफ्लेक्सेस दिखने वाले हैं, बस तुम देखते जाओ, बट उतने भी नहीं, लेकिन तुम्हारा भाई ठीक ही ठाक रिफ्लेक्सेस दे रहा है। अभी देखो, अभी मेरे को जाना था सी बिल्डिंग रश करने, और अभी तुम्हें एक गंदा वाला सांप मिलेगा, तो मैं नहीं, मतलब मेरे को ही मिलेगा, तो वो तो अच्छा भाई मेरे रिफ्लेक्सेस अच्छे थे, वरना तो ये भाई मेरे को डस लेता, नॉक तो कर ही देता, फिनिश का पता नहीं है मेरे टीममेट्स कवर कैसा देते। और मेरे बाकी के जो दो वो जो बच्चे लोग हैं वो लोग तो भाई शोर के अलावा और कुछ नहीं कर रहे। तो अभी के लिए हम लोग इधर आता हूँ, और भाई इसको देखो भाई, प्री फायर की हद होती है इसमें, प्री फायर में बल्कि एक वही कृष्णा भाई को, मतलब वही बच्चे को टपका ही दिया, और अब वो नीचे कूद गया, अब मेरा प्री फायर। अभी ये सेम चीज़ इसके साथ हुई जो इसने मेरे टीममेट के साथ की, तो मैंने पूरा बदला लिया, एकदम स्टाइल में लिया, उसी स्टाइल में अपने टीममेट का बदला ले लिया। तो भाई वीडियो को भाई एंड तक देखना यार, मैं बता रहा यार, वॉच टाइम बहुत ही कम दे रहे हो यार, मतलब थोड़ा तो दो। अब और बंदे दिख जाते हैं, अब उनको मारते हैं। अब मैं इसको जैसे नॉक करता हूँ, मैं अपना मतलब फुल रश के मूड में था, और ये बंदा मेरे को दिख जाता है, मतलब कोने में छुपा बैठा है भाई, उस कोने में कर क्या रहा था, एकदम कोना है, मतलब वो तो मतलब हिंदी में जो बोलते हो तुम समझ जाओ, मैं बोल नहीं रहा क्योंकि वो बहुत खड़ा सा हो जाता है ना, तो इसलिए मैं बोल नहीं रहा। तो वो छोड़ो, अभी यहाँ पे क्या सीन था, अब जो बंदे बच रहे थे ना, बच तो मैं क्या ही बोलूँ कि अब टावर पे पूरा कैंप मार रहा था भाई, पूरी की पूरी एक स्क्वाड, अभी तुम देखने वाले हो, मतलब पूरे 4 के 4 बंदे टावर पे चढ़े हुए हैं, मतलब समझ जाओ कितना खतरनाक सा सीन हो रखा है, बहुत खतरनाक भाई, बहुत खतरनाक। अब यहाँ पे वो मेरे को बंदे दिखता है कि वो टावर के ऊपर चढ़ रहा है, दो बंदे तो ऐसे दिख जाते हैं, लेकिन भाई यहाँ पे ये जो सीढ़ियाँ आती हैं ना, इसने मेरे को काफ़ी डिस्ट्रैक्ट कर दिया था, तो भाई मैं नहीं कर पाया कुछ। तो अब मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे आ जाता हूँ, लेकिन उतने में हमारा टीममेट नॉक हो जाता है, वो भी हमारा सस्ता हैरी नॉक हो जाता है। तो मैं पहले सोचता हूँ मैं उसको बचाऊँ, लेकिन फिर मैं सोचता हूँ नहीं, मेरे को तो कंटेंट बनाने का है, तो मैं नहीं बचाऊँगा। तो मैं मतलब उसके साइड में वही बैठा था, वो हमारा 8 साल का भाई बच्चा, तो उसी को बोला, फिर मैंने उसको बोला और रिवाइव ले कि भाई अगर मैं आया तो वो लोग अगर नीचे आ गए ना तो भाई प्रॉब्लम हो जाएगी, अभी वो लोग ऊपर से जब नीचे आएंगे तो मेरे पास एक अच्छा चांस है उनको मारने का जब वो लोग क्रॉस करेंगे। लेकिन ये जो बंदे थे काफ़ी ज़िद्दी थे, और भाई मेरा स्प्रे भी मैं हग रहा था, वो क्यों हग रहा था वो अभी आपको आगे जाके पता चलने वाला है।
जो चीज़ मेरे को M4 में डालनी चाहिए थी वो मैंने बैरल में डाल रखी थी, अब वो क्या चीज़ थी वो तो आप देखते रहो तब आपको पता चल जाएगा। तो अभी के लिए तो हमारा वो जैसे रिवाइव होता है फिर वो नॉक हो जाता है, उसका वही हमारा 8 साल का बच्चा वो फिर नॉक हो जाता है, और उसका टीम उसका जो दोस्त था वो तो छोड़ के चला जाता है भाई, वो बहुत छोड़ मचा रहा था तो मेरे को उसको म्यूट करना पड़ा था मजबूरन। तो वो सोचा कि हम लोग उससे बात ही नहीं करें, तो उसने भाई ने गेम ही एग्जिट कर दिया। भाई अब कैसे बात करें भाई, उसके माइक से सच्ची बता रहा बहुत साउंड आ रहा था, इसलिए मेरे को म्यूट करना पड़ा। और तो बाकी बच्चे मन के सच्चे। अब ये भाई फिर से नॉक हो गया, तो अब जाना तो हैडी को ही, हमारे सस्ते वाले को ही जाना था बचाने के लिए। अब वो सस्ता वाला तो रहा नहीं, अब महंगा हो चुका है, चलो कोई ना, अब सस्ता वाला तो नहीं रहा लेकिन हमारे लिए सस्ता ही रहेगा। अब यहाँ पे मैं एक बॉट को मारने के लिए आता हूँ, थोड़ा एमओ वेमो लेने आता हूँ, क्योंकि मेरे M4 में एमओ नहीं था, और भाई उतने में क्या भाड़ा है यार, गलत मारा है मेरे को। और मेरे को M4 का भी ठीक ठाक एमओ मिल जाता है, भले ही कम है लेकिन कुछ ना से तो कुछ तो मिलता है। बॉट किल के साथ एमओ भी मिल गया, और क्या चाहिए, पूरे ज़िंदगी के सारे मज़े मिल गए। अब यहाँ पे मैं टावर पे पूरा नज़र गड़ा के बैठा था, लेकिन ये बंदे काफ़ी ज़िद्दी थे। इन लोग ने हैरी को एक दो बार नॉक कर दिया था, प्लस अब हाँ ये हैरी का दूसरा नॉक हो गया था, और उसको वो रिवाइव भी नहीं दे पाया। तो भाई कुल मिला के इसमें पूरा घाटा हो। और भाई अभी ये हम अमेज़ॉन के डिलीवरी बॉय को तो मारते हैं, लेकिन अभी देखो अभी मैं क्या करूँगा, अभी मैं स्मोक करूँगा ठीक है, क्योंकि वो लोग को फिर मेरी हेड दिख जाएगा तो मेरे कॉन्टेंट की वाट लग जाएगी। तो अभी देखो ये भाई ये KR में ही ऐसा हो रहा है या भाई क्या पता ग्लोबल में भी ऐसा होगा। मैंने स्मोक छोड़ने से पहले ही खुल गया भाई, और मेरे को यहाँ पे छोड़ना नहीं था तो ये अपने आप छूट गया, हाथ से स्लिप हो गया। तो इसके कारण मेरे वही हमारे सबका प्यारा हमारा प्यारा सस्ते वाले की बैंड बजा दी उन लोग ने, फिनिश कर दिया। मतलब वो बंदे अब भी नीचे नहीं उतर रहे थे, मतलब समझ रहे हो, अब भी तक नीचे नहीं उतर रहे थे। अब मैं देख ही रहा था, फिर ये देखो ये मैंने मसल नहीं लगा रखा था, मतलब ये फ्लैश आइडा मैंने नहीं लगा के रखा था, जो कि मेरे को M4 में पहले लगा देना चाहिए था। और इसका क्या रोल है वो अभी आपको देखने को मिलेगा। भाई देख रहे हो रिकॉयल कंट्रोल हुआ, और ये पहले नहीं लगा था तो भाई काफ़ी प्रॉब्लम हो रही थी रिकॉयल कंट्रोल करने में। तो भाई कुछ ना कुछ तो लगा के रखो, भले ही तुम सपड़े से लगा लो लेकिन लगा के रखो। अब क्या सीन था कि अब जोन आ रहा था पीछे से, अब तो मेरा जिद्दीपन देखने वाले हो। देखो M4 में 32 MO है, और बैरल में से चलती नहीं है, ये बात आप लोग को पता है, नहीं पता तो चैनल बने हो तो मैं बता देता हूँ, बैरल और मेरा बहुत बहुत बेकार रिश्ता है। अब मैं चाहता तो यहाँ से गाड़ी लेके पहली फुर्सत में निकल सकता था, लेकिन भाई मैंने डिसाइड किया कि नहीं मैं इनको मार के जाऊँगा, क्योंकि इन लोगों ने मेरे टीममेट को मारा है, और यही जीत के कारण अब मैं मारूंगा या मारूंगा वो तो अभी आपको पता चलने वाला है। अब मैं यहाँ पे आ जाता हूँ कि मेरे को एंगल वेंगल मिले, और वहाँ पे सामने ही एक बॉट को नॉक हुआ यूजी से, और वो देखो वो धुआं निकला ना, तो मैं समझ गया कि ये बंदे नीचे आ चुके टावर के नीचे, और वो भी दूसरी साइड से आए, इस साइड से नहीं आए। ये बंदे काफ़ी दिमाग लगा के खेल रहे थे, तो भाई मेरे को भी अभी यहाँ पे दिमाग से खेलना था, क्योंकि भाई अगर मैंने यहाँ से दिमाग से नहीं खेला, क्योंकि देखो मेरे M4 में एमओ नहीं है वो तुम समझ ही लो, अब बैडल में जितने एमओ है। अब अगर मैं एक छोटी सी और मिस्टेक है मेरी यहाँ पे, वो मैं आपको और आगे बताऊँगा। अब यहाँ पे क्या सीन था कि वो बंदे मेरे को सामने दिख जाते, मैंने हक दिया था भाई, मैंने हक दिया और मैं समझ गया था भाई मैंने यहाँ पे हका है तो भाई मेरे साथ कुछ ना कुछ होगा। अब मेरे बैडल में 30 MO है, मेरे को एक्सटेंडेड मैग लगा लेना चाहिए था, और भाई मतलब UMP का इतना डीसिंग भाई, अब तुम देखो चारों तरफ से बंदे ने मेरे को घेर लिया है। भाई मैंने मार दिया था यार, मतलब मेरे अगर मैंने एक्सटेंडेड मैग लगाया होता तो शायद कुछ हो सकता था, बस अकेला बचा था यार, 10 MO में उसको भी खा सकता था, लेकिन भाई किस्मत ही फूटी है, क्या ही कर सकते हैं। तो बस उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी, वीडियो अच्छी तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, और मिलता हूँ विद द ब्रांड न्यू वीडियो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।